हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका ऑल न्यू मैनेजर करियर मोड में। और न्यू लुक के साथ मैनेजर तैयार है, वो होगा न्यूकासल यूनाइटेड, दी वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड है इस वक्त। ये है दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल क्लब न्यूकासल यूनाइटेड। भले ही इसकी वैल्यू फीफा में उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं जा रही, पर ओरिजिनली न्यूकासल यूनाइटेड ही सबसे अमीर क्लब है। अभी इसका मैनेजर करियर मोड स्टार्ट होगा फाइनेंशियल टेकओवर के साथ। फर्स्ट सीजन 500 मिलियन फाइनेंशियल टेकओवर के साथ लिया जाएगा। सभी कुछ वैसा ही होगा, 4 मिनट हाफ टाइम, प्रोफेशनल डिफिकल्टी और फाइनेंशियल टेकओवर होगा $500 मिलियन का। अब देखते क्या कर पाती है सब के बाद न्यूकासल यूनाइटेड। ये काफ़ी अजीब है ये लाइनअप, इसलिए थोड़ा इसे चेंज किया जाएगा। ये होगी वो लाइनअप 4-1-4-1 फॉर्मेशन के साथ। काफ़ी ज़्यादा अलग फॉर्मेशन है ये, देखते क्या कर पाती है इस फॉर्मेशन के साथ न्यूकासल यूनाइटेड। ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे न्यूकासल यूनाइटेड में, पता है काफ़ी सारे प्लेयर्स जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे वह आपको आगे मालूम पड़ेगा वो कौन से होंगे। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होने के बाद, प्री सीजन टूर्नामेंट और प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होने के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अब क्या होता है। लाइनअप है अब ये, यानी 4-3-3। पहले लाइनअप डिसाइड की गई थी 4-1-4-1 की, पर वो लाइनअप कुछ उतने अच्छे से फिट नहीं हो पाई न्यूकासल यूनाइटेड के अंदर जो ओरिजिनल लाइनअप है। इस वजह से वो ट्रांसफ़र बजट है $602 मिलियन लगभग, प्री सीजन टूर्नामेंट प्राइज मनी और कुछ जाने के बाद। देखते हैं कौन कौन है ये। सबसे पहले प्लेयर है कैलम विल्सन जो जा चुके हैं वेलेंसिया $34 मिलियन में। सेकेंड प्लेयर है जोवियर मैक्विलो, ये जा चुके हैं PSV $8 मिलियन में। फेडरिको फर्नांडिस जा चुके हैं बास्कनियर लगभग $4 मिलियन में। फिर है और एक सेंट्रल बैक पॉल डुमेटी जो जा चुके हैं पेंजिया लगभग $3.5 मिलियन में। एडविड ग्ले जो जा चुके हैं RC सेल्टिक्स लगभग $3.5 मिलियन में। फिर कुछ प्लेयर लोन पे गए हैं, उनसे कुछ खास मतलब है नहीं, जो अगले सीजन तक वापस आ जाएंगे। और इस सब के बाद ट्रांसफ़र बजट हुआ 600 मिलियन, लगभग $63 मिलियन का ट्रांसफ़र करेगी न्यूकासल यूनाइटेड। इतने ट्रांसफ़र बजट में 4 टॉप प्लेयर्स को साइन करेगी इस सीज़न न्यूकासल यूनाइटेड। समर ट्रांसफ़र विंडो में 2 और जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में 2 प्लेयर को साइन करेगी। सबसे पहले होंगे अर्लिंग हालैंड जो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है, जो ओरिजिनली तो असलियत में जा चुकी है मैनचेस्टर सिटी, पर अभी न्यू सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से इन्हें अभी भी हम बुंडसलीगा में ही पाएंगे। हम अब ये मानेंगे कि अर्लिंग हालैंड अभी तक प्रीमियर लीग में आए नहीं है क्योंकि न्यू सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। और हमारे रूल के हिसाब से जिस लीग की टीम है उस लीग के दूसरे प्लेयर्स को साइन नहीं कर सकते वो टीम, इस वजह से हम अर्लिंग हालैंड को साइन करेंगे। इनकी वैल्यू है लगभग $175 मिलियन, जो काफ़ी ज़्यादा है। देखते कितने में साइन हो पाते हैं अर्लिंग हालैंड। सबसे पहला ऑफर होगा $175 मिलियन जितनी इनकी वैल्यू है, यानी अर्लिंग हालैंड की जितनी वैल्यू है उतना ही पैसा देगी न्यूकासल यूनाइटेड सबसे पहले। ओहो, बहुत ज़्यादा मांगे, $278 मिलियन मांग रही, इतना देने नहीं वाली न्यूकासल यूनाइटेड। सेकेंड ऑफर होगा $195 मिलियन, थर्ड ऑफर होगा $225 मिलियन, फाइनल ऑफर होगा $245 मिलियन। मान चुकी है 10% से लोन क्लॉज के साथ बोर्शिया डॉर्टमुंड। अर्लिंग हालैंड लगभग साइन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे, $245 मिलियन पे। देखते हैं इनकी वेजेस कितनी होती है। सबसे ज़्यादा वीकली वेज होगा अर्लिंग हालैंड का लगभग $4 लाख वीकली वेजेस, और साइनिंग बोनस $1.5 मिलियन साइनिंग बोनस के साथ। देखते मानते हैं यानी अर्लिंग हालैंड, ओहो मान चुके हैं अर्लिंग हालैंड वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग न्यूकासल यूनाइटेड। सबसे पहला मैच है न्यूकासल यूनाइटेड का वेस्ट हैम के अगेंस्ट। देखते क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाती है न्यूकासल यूनाइटेड वेस्ट हैम के अगेंस्ट। एक काफ़ी बेहतरीन टीम है वेस्ट हैम,
मैच चालू हो चुका है, न्यूकासल यूनाइटेड अगेंस्ट वेस्ट हैम। क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाती है न्यूकासल यूनाइटेड? वेस्ट हैम अटैक करने की कोशिश कर रही है। ओहो, ट्रिपियर कुछ नहीं कर पाए, कैप्टन ट्रिपियर पास, बोवेन बोवेन क्रॉस, ओहो बहुत ही अच्छा क्रॉस था, रजानियो क्रॉस करने की कोशिश, क्रॉसिंग फेल, शॉर्ट पास, पासिंग अच्छी है, शूट, डिब्रॉइस का सेव, ट्रिपियर, विलिक्स, अर्लिंग हालैंड बहुत ही अच्छी पासिंग है, देखिए क्या कर पाते हैं, अर्लिंग हालैंड बहुत ही बेहतरीन रन, शूट, गोल, अर्लिंग हालैंड बहुत ही बेहतरीन गोल, एक अच्छा रन और उतना ही अच्छा गोल अर्लिंग हालैंड का, फर्स्ट मैच फर्स्ट गोल अर्लिंग हालैंड। ट्रेन के जरिए मौका, वेस्ट हैम टैकल, विलिक्स और एक पास, अर्लिंग हालैंड गोल, सेकेंड गोल, दो लगातार गोल आ चुके हैं अर्लिंग हालैंड, दो शूट दो गोल, ओहो ये क्या हुआ, अर्लिंग हालैंड कमाल का लेफ्ट फुटर, बहुत ही कमाल का लेफ्ट फुटर। एंटोनियो पास, बहुत ही अच्छा मौका है, विलिक्स शूट गोल, लगातार गोल आ रहे हैं अब वेस्ट हैम का गोल, विलिक्स का गोल, ओहो बहुत ही बेहतरीन पास और उतना बेहतरीन गोल। ट्रिपियर, गमारेस, जोलथन, एलेंसन, मैक्सिमंस, ओह बहुत ही बेहतरीन शूट, काफ़ी अलग एंगल से शूट किया पर सेव कर दिया, वेस्ट हैम गोलकीपर ने। ओ ये क्या हुआ, कॉर्नर के जरिए बहुत ही बेहतरीन गोल, मिगेल अल्मिरॉन, कॉर्नर एक अलग सा कॉर्नर था और गोल, ओ तेरी अल्मिरॉन, फर्स्ट हाफ के एनी मोमेंट पे गोल, फर्स्ट हाफ अच्छा रहा न्यूकासल यूनाइटेड के लिए, देखिए सेकेंड हाफ क्या कर पाएगी न्यूकासल यूनाइटेड और वेस्ट हैम, वेस्ट हैम वापसी करने की कोशिश करेगी अब सेकेंड हाफ में। बोवेन पास, कार्ल्स, ओहो बोवेन के लिए बहुत ही बेहतरीन पास, ट्रैक कवर करने की कोशिश, ओ क्रॉस, इंटरसेप्ट, जोवेन, अर्लिंग हालैंड, एलेंसन मैक्सिमंस, एलेंसन मैक्सिमंस शूट, एंटोनियो, एंटोनियो पास, बोवेन, बोवेन टैकल करने की कोशिश, टैकल तो फेल पर सीधा डिब्रेस्का के हाथों में, गलत पास और एक सेव, लगातार दो सेव निकाले, लगातार सेव निकाले जा रहे हैं, डिब्रॉइस का शूट, नंबर 9 का शूट, एंटोनियो का शूट, जोनाथन सब शूट किया जाएगा, लेवटिक्स आएंगे ब्रॉल्स की जगह, दो सब्स्टिट्यूशन हो गए न्यूकासल यूनाइटेड की ओर से। ओ अच्छी पासिंग है, वेस्ट हैम देखिए क्या कर पाती है, एंटोनियो आगे निकल चुके थे और गोल, बहुत ही अच्छी पासिंग और एंटोनियो का गोल, फर्स्ट मैच फर्स्ट गोल एंटोनियो। मिगेल अल्मिरॉन कॉर्नर खेल जा चुके हैं और ये कॉर्नर अर्लिंग हालैंड हेडर नहीं लगा पाए, देखिए क्या होता है, पास विलिक्स, विलिक्स शूट नहीं लगा पाए, एलेंसन मैक्सिमंस, ओहो बहुत ही अच्छा रहा ये मैच दोनों टीमों के लिए, पर ज़्यादा बेहतर खेली न्यूकासल यूनाइटेड, थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेली, 3-2 से ये मैच जीता न्यूकासल यूनाइटेड ने, न्यूकासल यूनाइटेड 3 वेस्ट हैम 2, लगभग इक्वली गेम रहा दोनों टीमों का, ऐसा लग रहा है लगभग इक्वली था ये गेम दोनों टीमों के लिए। अब मैच है न्यूकासल यूनाइटेड का एस्टन विला के अगेंस्ट, मैच चालू हो चुका है न्यूकासल यूनाइटेड अगेंस्ट एस्टन विला, ये क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाती दोनों टीमें,
अपनी मेन लाइनअप के साथ एलन सेंट मैक्सिमम शुरुआत में अटैक करने की कोशिश, एक बेहतरीन मौका है क्रॉस, बैक पास ही कर दिया, बहुत ही अच्छी पासिंग है एस्टन विला, एक क्या कैच क्रॉस ट्रिपियर क्लियर नहीं कर पाए, शूट आया जो भी ये प्लेयर है सेव किया डिब्रॉइस का, नहीं एक अच्छा सेव डिब्रॉइस का, क्रॉस बहुत ही अच्छा मौका है शूट, एक अच्छा शूट एस्टन विला प्लेयर डैनी इंग्स, एक अच्छा मौका बना क्रॉस आया हेडर के जरिए पास और गोल राइट फुटर डैनी इंग्स, सेकेंड मैच थर्ड गोल और एक मौका और एक गोल, लगातार दो गोल मार चुकी है एस्टन विला फ्रॉम रिक्स विलिक्स पास अर्लिंग हालैंड एलन से मैक्सिमम शूट गोल, पास आया अर्लिंग हालैंड का एलन से मैक्सिमम के लिए एक अच्छा पास और गोल, मार्टिनेस के पास कोई मौका नहीं रोकने का, सेंट मैक्सिमम का फर्स्ट गोल इस सीजन का, ओह ये क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ के एंडिंग मोमेंट्स पे अटैक करने की कोशिश एस्टन विला, ओहो शूट, ओह गोल आ चुका है डैनी इंग्स और एक गोल, ये क्या डैनी इंग्स कमाल का परफॉर्मेंस डैनी इंग्स का, फर्स्ट हाफ के एंडिंग मोमेंट्स पे गोल, सेकेंड गोल इस मैच का डैनी इंग्स, फर्स्ट हाफ एंड हो चुका है, देखिए सेकेंड हाफ में क्या कर पाते हैं एस्टन विला और न्यूकासल यूनाइटेड वापसी करने की कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा हावी रही है एस्टन विला फर्स्ट हाफ में, जॉलिंगटन की जगह शाल्वी आएंगे क्योंकि जॉलिंगटन ने येलो कार्ड ले लिया था फर्स्ट हाफ की शुरुआत में, अब देखिए क्या होता है एस्टन विला अटैक करने की कोशिश, ओह क्या होता है लॉन्ग शूट सेव डी ब्रॉयस का, कार रिपेयर रिलीक एल्मिरॉन पास ब्रूनो गमारेस अर्लिंग हालैंड के ऊपर टैकल, जाके बॉल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, काउंटर अटैक पे है अब एस्टन विला, ओहो पासिंग बहुत ही अच्छी है सेव किया डी ब्रॉयस का, नहीं बहुत ही अच्छा मौका है क्लियरेंस पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया बॉल और गोल, डैनी इंग्स से हैट्रिक मारते हुए वो क्लियर कर दिया था तो क्लियर कंप्लीट नहीं हुआ और गोल, डैनी इंग्स हैट्रिक, ये क्या होता है फुल टाइम उनसे थोड़ा पहले लास्ट अटैक है एस्टन विला का सेव डी ब्रॉयस का, एस्टन विला 4 न्यूकासल यूनाइटेड 1, हावी रही एस्टन विला न्यूकासल यूनाइटेड पे लगभग हेवी प्रेसिंग के जरिए, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है और पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा इस प्लेयर था, इससे साइन किया जाएगा और अटैकिंग मिडफील्डर ग्रिफ्ट को भी साइन किया जाएगा, इसका पोटेंशियल भी बहुत ही अच्छा है, वो नहीं अभी फिलहाल के लिए साइन नहीं हो सकते, अब है कैरबाओ कप राउंड 2 न्यूकासल यूनाइटेड अगेंस्ट ओल्डहैम, ये मैच फिक्सिंग करेगी न्यूकासल यूनाइटेड अपनी सेकेंडरी लाइनअप के साथ, ओहो ये मैच जीत चुके हैं न्यूकासल यूनाइटेड बहुत ही ज़्यादा हेवी मार्जिन से, वो भी सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं हुआ पर ओल्डहैम एथलेटिक के एक प्लेयर ने रेड कार्ड खाया फर्स्ट हाफ में, पर फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं हुआ, फिर वुड की जगह अर्लिंग हालैंड ने मारी हैट्रिक, कॉलगर डॉम का एक गोल, मैम्प्री का एक गोल, ओवरऑल मैच अच्छा रहा न्यूकासल यूनाइटेड के लिए पर क्लीन शीट नहीं रख पाई इस मैच में न्यूकासल यूनाइटेड, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, वीडियो में ही गलतियों को माफ़ कर देना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय दोस्तों।